अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो इन चैप्टर की लिस्ट में मैंने उन्हीं चैप्टर्स को ऐड किया हुआ है जो चैप्टर्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जिन चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं चैप्टर्स को इन लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और इससे पहले मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में टोटल 42 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया, बहुत लोगों ने कहा कि ये जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का आपका काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, यानी इन्हीं 42 चैप्टर्स में से मैं कुछ ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं चैप्टर की लिस्ट बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका चैप्टर त्रिकोणमिति, इसमें आपके कई चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हुए हैं, करीब 2 से 3 चैप्टर आपके कंबाइन करके दिए हुए हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। और इस समय मैं आपको यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको पूरे चैप्टर्स यहाँ पर कवरअप करा दूंगा और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसकी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो त्रिकोणमिति में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी उम्मीद है कि हाँ ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइगोनोमेट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ये मान के चलिए अगर 4 क्वेश्चन है तो 16 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, ये मान के चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। मैं आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में त्रिकोणमिति से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे त्रिकोणमिति से। और निर्देशांक ज्यामिति से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि त्रिकोणमिति से आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी 16 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और त्रिकोणमिति में आपका एक और चैप्टर आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका एक चैप्टर आता है, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो चैप्टर आपका अलग है, आगे मैं अभी नीचे आपको बताऊंगा। तो ये 2 चैप्टर मैंने आपको अभी तक बताए, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे मैंने लिखा सरल रेखाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी आपका है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि 1 क्वेश्चन पूछा जाए या 2 क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, यानी सरल रेखाएं से, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें आपके कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने जब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैंने चेक किया इस चैप्टर को, इसमें आपके कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसीलिए आपके इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है आपका परसेंटेज, तो ये चैप्टर आपका इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको वजह बता देता हूँ। जैसा कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में 2019 में इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था,
कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर से प्रतिशतता से, तो इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में यानी 2020 में आशा है कि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके परसेंटेज से, ये आप ध्यान रखिएगा, और 8 नंबर का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास बुक है तो बुक में जो आपके एग्जाम्पल दिए होते हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल सारे सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल्स को छोड़िएगा मत। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 2018 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसमें आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे गए थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको वैसे एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज आपका इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इस बार पक्का है कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और यह चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, प्रतिशतता, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाया था इस बार। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है लाभ हानि एवं बट्टा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये चैप्टर आपका कनेक्टेड है परसेंटेज से, अगर आपको परसेंटेज आता है तो आपको ये भी आ जाएगा लाभ हानि एवं बट्टा, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो उम्मीद है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी मैं परसेंटेज और इस लाभ हानि बट्टा इस चैप्टर को मिला दूँ तो 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इन दोनों चैप्टर को मिला के 4 क्वेश्चन यानी 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन चारों पूछे गए थे ये आपके एग्जाम्पल थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्पल थे अरिहंत की बुक के, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम्पल आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, अगर आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, और वैसे भी मैं आपको जब मैथमेटिक्स के चैप्टर सॉल्व कराता हूं तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6 आपका दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, इंग्लिश में इस चैप्टर को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई ऐसा साल नहीं छूटता कि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, लगातार इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2019 के भी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही ये चैप्टर पढ़ा दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो गए थे, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और वैसे भी मैं आपको जितने चैप्टर्स पढ़ाता हूँ आपके इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पेपर आपका कैसे सेट होता है, कोई भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पे मैंने आपको बताया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई साल छूटता नहीं कि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए। और मैं आपको बता दूं कभी कभी इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी 12 नंबर के, वैसे तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल, लेकिन कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, और इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज भी पढ़ा दिया है, और लाभ हानि एवं बट्टा ये मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है 2019 में, मैं फिर से आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप इसकी टेंशन मत दीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 वर्गमूल एवं घनमूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका
एग्जाम्पल था, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल था और अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करिएगा। तो चैप्टर का नाम है वर्गमूल घनमूल, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप करा दिया, यानी ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 8 आपके यहाँ पे दिया हुआ है घातांक एवं करणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस इंसर्ट्स। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका दिया हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो ये भी आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी साल ये चैप्टर छूटता नहीं है, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं तो आपके चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपका कंफर्म है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लघुगणक चैप्टर नंबर 10, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉगरिथम। इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, ये आपका है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो ये 1 क्वेश्चन पूछा गया था ये मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था, जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वहां पे डिजिट भी नहीं चेंज की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12 आपका मैंने यहाँ पे लिखा है बहुपद एवं गुणनखंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स एंड फैक्टर्स। तो ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीजगणित से रिलेटेड है। तो बीजगणित से रिलेटेड आपके करीब 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके कंबाइन करके, तो जब मैं आपको ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा बीजगणित वाले, तो वहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ये ध्यान देना, हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क तो करिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको करना आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में आपके 50 क्वेश्चन दिए हों बहुपद एंड गुणनखंड में, तो आप 50 नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे, कि चैप्टर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। 50 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पे हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि हाँ ये चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पैटर्न क्या है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 13, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 आपका दिया हुआ है कार्य एवं समय, यानी वर्क एंड टाइम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 15, जो कि आपका दिया हुआ है वृत्त यानी सर्कल का। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 16 भी आपका वृत्त से रिलेटेड है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये 2 चैप्टर आपके सर्कल से रिलेटेड हैं, और इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर सॉल्व कीजिए, दोनों मिला के अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे करीब आपके 40 से 45 क्वेश्चन दिए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, जो कि आपका त्रिभुज यानी ट्राइंगल वाला है। तो ट्राइंगल में भी आपके 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे कंबाइन करके दिए हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल के, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रायंगल से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मेंसुरेशन, जो कि आपका दिया हुआ चैप्टर नंबर 18। तो इसके अंतर्गत आपका 4 से 5 चैप्टर आ जाता है, गोला आ जाता है, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु आ जाता है, कई आपके दिए हुए चैप्टर्स, बेलन और शंकु दिया है, घन एवं घनाभ दिया हुआ है, क्षेत्रफल एवं परिमाप, तो ये सारे चैप्टर्स आपके मेंसुरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक साल पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, कभी कभी एक पूछ लिया जाता है, कभी कभी 3 पूछ लिया जाता है, तो ये कंफर्म नहीं है कि कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है इस बार ना पूछे जाए ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारा इस चैप्टर पर फोकस होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया, चैप्टर नंबर 19, चाल, दूरी एवं समय, यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा तो पूछा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता, ठीक है। कभी कभी तो सिंगल क्वेश्चन यानी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 20 आपका दिया हुआ है ऊंचाई एवं दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये आपका ऐसा चैप्टर है जो लगातार इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैं आपको बता दूं 2018 में आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, शायद एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2019 में इस चैप्टर से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ऊंचाई एवं दूरी से 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, हो सकता है तो इस बार पूछ ले आपसे, अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो 1 क्वेश्चन नहीं तो 2, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि आपका पेपर ऐसा सेट होता है कि एग्जाम्पल्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, अगर आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके चलेंगे अपनी बुक की, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करते हैं अरिहंत की बुक से, वो ठीक ही है क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अदर बुक्स जो आपकी दी हुई है उतनी अच्छी नहीं है जितनी अरिहंत आपकी है, तो ठीक है आप अरिहंत की बुक से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, तो यहाँ से आपका 1 या 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर 21 पे, औसत, जो कि आपका एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ से ये भी आपका चैप्टर ऐसा है जो लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक एक साल छोड़ के या दो दो साल छोड़ के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 19 में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एवरेज वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप जरूर सॉल्व कीजिए चैप्टर्स के, ये आप ध्यान रखिए। अब चलिए इसके बाद आते हैं लास्ट चैप्टर पे, जो कि मैंने ऐड किया हुआ है, चैप्टर नंबर 22 आपका है लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कितने चैप्टर बताए हुए हैं, टोटल यहाँ पे मैंने 22 चैप्टर बताए हुए हैं, और इसके अलावा एक चैप्टर आपका आता है अनुपात समानुपात का, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने इसलिए इस लिस्ट में ऐड नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अनुपात समानुपात मैंने आपको लास्ट ईयर ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इस बार भी टाइम रहेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप लास्ट ईयर वाली वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। अनुपात समानुपात इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 19 में नहीं पूछा गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 22 चैप्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। खासकर आपको त्रिकोणमिति पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि इससे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा जाते हैं, और जितने चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट बताई है, यहाँ से आपके अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए 100% में से आपके 65 से 70% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये परसेंटेज बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, मतलब 80% क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इतने चैप्टर्स में से जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और जो कुछ चैप्टर्स हमारे हैं, मैंने आपको टोटल 42 चैप्टर्स बताए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको टोटल कितने बताए, इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे टोटल बताए हुए हैं 22। तो यहाँ पे 22 हमारा सिलेबस यहाँ पे आधा हो चुका है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप इतने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो कन्फर्म है आपको यहाँ पे
क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया, बुक में चेक किया कि हाँ इतने चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। बुक उठा के यहाँ पे चेक करना पड़ता है, पेपर उठा के चेक करना पड़ता है कि हाँ इस चैप्टर से आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर गलत लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम लिया और फिर मैंने इन चैप्टर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो इन चैप्टर पे हम पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस समय त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कल आपके लिए त्रिकोणमिति की वीडियो बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को ऐड करूँ जो अधिकतर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कल की वीडियो शायद हमारी इसी से रिलेटेड होगी, तो मेरी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 22 चैप्टर्स मैंने ऐड किए हुए हैं और करीब आप ये मान के चलिए 70-75% क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, इन्हीं चैप्टर से बनते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और वैसे तो आपके बहुत चैप्टर दिए हैं, 42 चैप्टर दिए हैं, आप खुद सोचिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछना मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। 85 क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति से आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सरल रेखा से 3 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन यहां ही बन गए। तो कैसे सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। 4200 चैप्टर से आपके नहीं पूछे जा सकते। आप सोचे कि मैं टोटल 42 चैप्टर प्रिपेयर कर लूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकते। चाहे आप 2 साल से तैयारी करें, 3 साल 4 साल प्रिपेयर करें, फिर भी आप टोटल 42 चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।